काशीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य की सीमाओं पर तैनात पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। यूपी से आने वालों पर नहीं हो रही है कोई भी निगरानी, बिना चेकिंग और थर्मल स्क्रीनिंग देवभूमि में एंट्री की जा रही है। इतना ही नहीं, ₹50 में पार कराया जा रहा है बॉर्डर, सुविधा शुल्क देने पर कोई रोक टोक नहीं है। बिना किसी जांच की एंट्री होने पर बढ़ रहा है कोरोना का खतरा, मामले पर बोलने से बचते नजर आए हैं अधिकारी। प्रदेश में अनलॉक 4 के बाद कोरोना संक्रमण के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में बात अगर उधम सिंह नगर की करें तो प्रदेश में उधम सिंह नगर जिला भी कोरोना संक्रमण के मामले में कम नहीं है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जिले की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें काशीपुर भी सम्मिलित है। काशीपुर में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके लिए बॉर्डर पर ढिलाई बढ़ती जा रही है, जो एक मुख्य बिंदु है लापरवाही का। बताते चले कि काशीपुर में कोरोना काल के शुरू में कोरोना के दृष्टिगत पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़ी सीमाओं पर पुलिस के द्वारा कड़ी चौकसी बरती जा रही थी। अनलॉक के चौथे चरण में चौकसी उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों की संख्या की बाध्यता को तो प्रदेश सरकार के द्वारा खत्म ही कर दिया गया, लेकिन साथ ही राज्य सरकार की जारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी भी कर दिया गया। वहीं बॉर्डर पर इन रजिस्ट्रेशन को लेकर चेक करना बॉर्डर पर तैनात एसपीओ और पुलिस वालों की ड्यूटी बनता है, लेकिन काशीपुर में ठाकुर द्वारा सीमा से जुड़े सूर्या पुलिस चौकी पर बने बॉर्डर पर ना तो पुलिस है और ना ही किसी अन्य प्रकार की कोई व्यवस्था है। अच्छा, कहाँ पे लेते हैं पैसे? ये बॉर्डर पे। अच्छा, कौन लेते हैं? ये लड़के जो खड़े रहे हैं, दे रहे हैं, वो पास बनवा रहे हैं। अच्छा, कितने लेते हैं? ₹50। पचास किस बात के लेते हैं? ₹50 बॉर्डर पार करने के। तो सुना आपने, ₹50 में बॉर्डर पार कराया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ निजामुद्दीन हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। निजामुद्दीन, लगातार संख्या बढ़ रही है पर लापरवाही भी कम नहीं देखने को मिल रही, और तो और ₹50 में बॉर्डर पार कराया जा रहा है, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है निजामुद्दीन आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और गाइडलाइन दी गई है, चौथा चरण अनलॉक हो चुका है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो सीमा बरती जो यूपी बॉर्डर है वहां से लोगों का आना जाना लगातार जारी है। कहीं भी देखा जा रहा है कि जो ठाकुर द्वारा से क्रॉस होती हुई जो सीमा बरती जो चौकियां हैं वहां पर चेकिंग करना चाहिए, लेकिन वहां पर एक जब एक ऑटो चालक से और वहां से निकलने वाले एक व्यक्ति से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहां पर किसी तरह की चेकिंग नहीं की जा रही है, जिसकी जेब में ₹50 होते हैं उनको एंट्री मिल जाती है। अब देखने की बात यह है कि जो एसपीओ द्वारा वहां पर ₹50 लिए जा रहे हैं तो वहां कहीं ना कहीं अधिकारीगण जो खामोश हैं। जब हमने अधिकारी से जब बात की गई तो अधिकारी भी कुछ कहने से बचते नजर आए, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कोरोना जिसकी जेब में ₹50 होंगे तो वो कहीं इस महामारी को जो है बढ़ावा नहीं मिलेगा, और जिनके जिनकी जेब में ₹50 नहीं है तो उनको रोक दिया जा रहा है। तो ऐसे में देखना यह है कि इस कोरोना काल में इस तरह की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं घातक साबित होती देखी जा रही है। जी बिल्कुल निजामुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही वजह है कि लगातार जो बिना जांच के यहाँ पे बॉर्डर पर एंट्री हो रही है, उसी वजह से कोरोना का जो संख्या है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।